हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिंकल्स किचन। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल भरवा बैंगन। अगर आप कम टाइम में रेस्टोरेंट जैसी टेस्टी सब्जी बनाना चाहते हैं तो इसे एक बार जरूर ट्राई करना। तो चलिए ये झटपट और इजीली बनने वाली भरवा बैंगन की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। भरवा बैंगन बनाने के लिए मैंने ये छोटे छोटे बैंगन लिए हैं और इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। अब इस बैंगन को हम इस तरह से काट लेंगे। इसको बीच में से ऐसे कट लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से सारे बैंगन को ऐसे काट लेंगे। देखो, मैंने सारे बैंगन को काट के रख दिया है। अब इन बैंगन को हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। इसमें सारे बैंगन डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको कम ऑयल में बनाना है तो इसको आप उबाल भी सकते हैं। आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस पानी में बॉईल कर लीजिए। तो इसी तरह से हम बैंगन फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारे बैंगन फ्राई हो चुके हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। बस हमारे बैंगन पक चुके हैं। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। दोस्तों, हमें बैंगन में मसाला भरना नहीं है, इसीलिए हमने इसे पहले ही फ्राई कर लिया है। इस तरह से बनाओगे तो ये सब्जी टेस्टी भी बनेगी और झटपट भी बन जाएगी। तो सारे बैंगन को हमने ऑयल से निकाल लिया है। इसी ऑयल में हम हमारी ग्रेवी बना लेंगे। तो इसमें से मैंने थोड़ा ऑयल निकाल लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ट्राई डालेंगे, जीरा डालेंगे। मैंने ये करीब 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। अब इसमें लाल सूखी मिर्च डाल देंगे और कड़ी पत्ता डाल देंगे। मसाले को थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हींग डाल देंगे और कटे हुए प्याज डाल देंगे। मैंने ये प्याज को बारीक काट लिया है। आप चाहे तो इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं। प्याज को हमें अच्छे से पकाना है ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। अगर प्याज कच्चे रह गए तो वो सब्जी का टेस्ट खराब कर सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि प्याज अच्छे से पके हुए होने चाहिए। तो हमारे ये प्याज अब अच्छे से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर अब ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक की पेस्ट मिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पकने देंगे ताकि जिंजर और गार्लिक का कच्चापन दूर हो जाए। तो इसे थोड़ा सा पकने देंगे। ये देखो, हमारे मसाले अब पक चुके हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। मैंने टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं। ग्रेवी से भी इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। अब आधा ही छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अगर आपको गरम मसाला ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को अच्छे से पकने देंगे ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। बीच बीच में इसको ऐसे चलाते रहेंगे ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे और ग्रेवी जैसा टेक्सचर आ जाएगा। तो देखो, हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे और अब मैंने तिल में पानी डाल के उसका पेस्ट बना दिया है, वो डाल देंगे। अगर आपको तिल नहीं पसंद तो आप मूंगफली को भी पीस कर डाल सकते हैं। और अब इसमें सौंफ डालेंगे। सौंफ को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। आप चाहे तो मिक्सी में इसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को थोड़ी देर पकने देंगे। इसकी हमें ग्रेवी बनानी है तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ 1 कप जितना पानी ले रही हूँ, तो पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। तो हमारा ये मसाला पककर रेडी है। हम ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा बेसन डालेंगे। तो मैंने बेसन को पानी में मिलाकर मिक्स कर लिया है और इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और अब इसमें हम फ्राई किए हुए बैंगन डाल देंगे। बैंगन को अच्छे से मसालों के साथ अब मिक्स कर लेंगे। देखो हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है, तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का, तो इसे स्किप ना करें। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर थोड़ी देर पकने देंगे। 4 से 5 मिनट तक हमें पकाना है इसको, और फिर हमारा बैंगन मसाला रेडी हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, हमारी बहुत ही टेस्टी भरवा बैंगन की सब्जी बनकर रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे खाएंगे तो रेस्टोरेंट की सब्जी खाना भूल जाएंगे। तो देखो हमारा बैंगन मसाला बनकर रेडी है, इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल के सर्व करेंगे। तो सब्जी को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, ऊपर से हम धनिया डाल के इसको सर्व करेंगे। तो देखो हमारा बैंगन मसाला एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।